देखिए, चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, चिकन तंदूरी सब मिलेगा आज यहाँ पर आपको। दोस्तों हमारे सारे पिज्जा रेडी हैं, आप देख सकते हैं 6 पिज्जा है हमारा, गार्लिक ब्रेड है। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा चीज मगरेता पिज्जा रेडी हो चुका है। ओए होए होए होए। तो दोस्तों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं कार्टून की दुनिया में आ चुका हूँ कैफे के अंदर आके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आ चुके हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे, ओ लार्क पिज्जा पर, जो कि है जाकिर नगर में, फूड टू रेस्टोरेंट के जस्ट बिल्कुल सामने टूडी कैफे है। और टूडी का मतलब मैं आपको समझाऊंगा अंदर चल के। कैफे बहुत प्यारा है, पिज्जा है, एक से लग्जरी पिज्जा इनके पास, गार्लिक ब्रेड है, और भी बहुत सा आइटम है जो मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों अंदर, और चल के मैं आपको इनका पिज्जा ट्राई करते हैं और थोड़ी सी बात भी करेंगे उनसे। दोस्तों चलता हूँ मैं आपको अंदर लेके, आइए मेरे साथ। दोस्तों हम आ चुके हैं ओलार पिज्जा, देख सकते हैं टूडी कैफे, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत छोटा है मगर बहुत जबरदस्त है। दोस्तों टूडी कैफे आ चुका है जाकिर नगर में, फर्स्ट कैफे है इनका। आप देख सकते हैं दीवारों पे डिजाइन, देख सकते हैं ऐसा डिजाइन आपको जाकिर नगर या शाहीनबाग इलाके में, ओखला किला में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त इन्होंने कैफे की सजावट कर रखी है, बहुत जबरदस्त है। दोस्तों टूडी के बारे में आपको बताता हूँ मैं, वो आप देख सकते हैं वॉल पे जितने भी डिजाइन बने हुए हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं रियल है, बिल्कुल आपको देख के ऐसा लगेगा जैसे दीवार से बाहर निकल के आ रहे हैं, या जैसे कोई गर्ल्स बनी हुई है, बॉय बना हुआ है जो मुझे कोई हेल्प कर रहा है या मुझे पकड़ रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं टूडी का मतलब बहुत एक देखो तो यूनिक कुछ हो जाता है। तो ऐसी शॉप आपको दिल्ली एनसीआर में जो मिलेगी देखने को, मिलेगी ओखला जाकिर नगर के अंदर। फूड ट्यूब कैसे का जब सामने है, आपने मेरी फूड ट्यूब वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं कार्टून की दुनिया में आ चुका हूँ इस कैफे के अंदर आके। तो दोस्तों मेरे साथ में है फुरकान भाई जो कि ओलार पिज्जा शॉप के ओनर भी हैं, और इनके एक भाई और हैं जिनका नाम है शाबाज भाई, वो किचन में संभालते हैं, ये बाहर संभालते हैं। आज इनसे हम बात करते हैं कि ओलार पिज्जा का थोड़ा सा मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में फर्स्ट शॉप है इनकी, ये बता पाएंगे इस चीज के बारे में अच्छे से। जी एक्चुअल में ओलार पिज्जा का जो एक्चुअली जो मतलब है, मीनिंग है, एक्चुअल में दो वर्ड है, ऑल और एक लार्क। तो ऑल है वो एक्चुअल में हमारा नाइट कबर्ड होता है, नाइट कबर्ड है वो एक्चुअली में नाइट में जाता है, और जो लार्क है वो उसका अपोजिट करता है, वो अर्ली मॉर्निंग। एक्चुअली हमारा इसका कंसेप्ट इसको आगे ले जाकर 24/7 में गेम्स को आगे जाकर 24/7 में लेकर के जाएंगे, सो इसलिए हमने इसका नाम ओलार पिज्जा रखा है। देन आगे चल के अभी हम इसमें बारबेक्यू भी ऐड करेंगे, जी इसलिए हमारा पूरा प्रॉपर नाम ओलार पिज्जा एंड बारबेक्यू। और चलिए एक बात और पूछ लेते हैं भाई से, जो कस्टमर हैं क्या चीज पसंद कर रहे हैं यहाँ पर, कैसा पिज्जा टेस्ट कर रहे हैं, तो बताइए। एक्चुअल में यहाँ ओखला में लोगों की आइडियोलॉजी बन गई है कि अगर कोई भी यहाँ पे पिज्जा शॉप ओपन हो रही है तो वो सबके सब मार्केट का बेस यूज करेंगे, बट वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो इसलिए है क्योंकि हमारा एक्चुअल में हैंडमेड डो है, हमारा जो आटा है हम खुद अपना खुद भूनते हैं, एंड देन उसके डोज बना करके हम हमारा जो मैकेनर है उसके अंदर तो फीस करते हैं, लाइक डोमिनोज जैसे, डोमिनोज का पूरी प्रिपरेशन है, हम एग्जैक्टली सेम तरीका है बनाने का, एग्जैक्टली सेम वही है, हमने अपना ओपन किचन कर रखा है। मोस्टली आपको यहाँ पे पूरे ओखला में कोई भी अपना किचन नहीं दिखाएगा, हमने पूरा अपना किचन ओपन कर रखा है, सो कस्टमर कैन सी कि हम उनको क्या दे रहे हैं एंड उनके टेबल पे क्या आने वाला है। तो ये बहुत अलग चीज है, यहाँ पे मार्केट से सबसे अलग है, एंड देन जब आप टेस्ट करेंगे देन आपको पता चलेगा कि बट या की भी। तो ये बात उन्होंने ठीक बोली, ज्यादातर ओखला में दिल्ली में आप ज्यादा देखेंगे ना कोई भी आपको सब बेस बनी हुई यूज करते हैं, और वो ना बनने के बाद 5-10 मिनट बाद ही वो चीज टाइट हो जाती है बिल्कुल। और यहाँ पर इनका आटा हमारी आपके सामने गूंदा गया और उसके ऊपर बेस एक चीज लगाई गई। तो चलिए चलते हैं किचन में और मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, जाइएगा नहीं, बने रहिएगा मेरे साथ। तो अच्छा लगा मैं बात करके आपको, बहुत अच्छा लगा। और बाकी मेन्यू कार्ड मेरे हाथ में है, मैं इनके पिज्जा ऑर्डर करने जा रहा हूँ, बहुत वैरायटी पिज्जा की, नॉन वेज भी है, वेज भी है, बोइटो वगैरह भी है, कॉफी वगैरह भी है। मैं सोच रहा हूँ कि 3 हम नॉन वेज ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं वेज, प्लस इनके पास चिकन टिक्का भी है, मलाई टिक्का भी है, चिकन तंदूरी भी है, तो ये तीनों तो हमारे लिए बेस्ट रहेंगे। इसके अलावा मैं ले लेता हूँ एल मैक्सिकन ले लेता हूँ उनका, फिर इनका एक पनीर पेरेट है। मैं सोच रहा हूँ चीज गार्लिक ब्रेड है हमारे पास और गार्लिक ब्रेड है चिकन वाली, तो हम ये दोनों ले लेते हैं। और साथ साथ इनका एक जो सरप्राइज है वो मैं वीडियो में एंड दिखाऊंगा आपको, एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज है। और टेस्टी रोल है इनका जो भी पिज्जा रोल है, वो जो इन्होंने आज ही न्यू स्टार्ट करा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम प्रॉपर एक वीडियो उसकी शॉर्ट भी डालेंगे और यूट्यूब पर भी डालेंगे। तो मैं आपको लेके चलूंगा किचन में और पिज्जा दिखाऊंगा आपका, पूरा इनका हैंडमेड पिज्जा है, ये चीज में फ्रिज की रखी रखा हुआ कोई नहीं है, सब कुछ फ्रेश मिलेगा आपको कैफे में आकर, आपको मजा भी आएगा। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं ये है इनका टॉपिंग सेक्शन, फर्स्ट में है इनका वेज वाला सेक्शन, सेकंड में है इनका नॉन वेज वाला सेक्शन, और जो इनकी चीज है वो मोजरेला चीज यूज करते हैं, कोई
वैसी चीज नहीं है, लोकल चेप दी आपको, कुछ चेप दी तो देख सकते हैं हमारा डो स्ट्रेच हो रहा है और उसके बाद धीरे 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 गोल बन जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे अपने टॉपिंग, करवाएंगे इसके ऊपर वेज की और नॉन वेज की दोनों की। तो हमारा चीज मार्गरिटा पिज्जा बनने के लिए तैयार है और हमारी फर्स्ट पे आ गई है सॉस। बिल्कुल फ्रेश सॉस है और बिल्कुल आप देख सकते हैं एक एक चीज बिल्कुल इनकी प्योर है, कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो चेप दी जाएगी। देख सकते हैं क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, भरपूर दिया जाएगा आपको यहाँ पर। ये आ चुकी है हमारी मोजरेला चीज, आप देख सकते गजब। दोस्तों फर्स्ट पिज्जा हमारा रेडी है और ओवन में जा रहा है, जैसे चीज मार्गरिटा आप देख सकते हैं गया गया। हमारा चीज मार्गरिटा पिज्जा रेडी हो चुका है। तो हमारा आ गया है बटर, आप देख सकते हैं बेस पर बटर लगा जा रहा है सॉफ्ट करने के लिए। दोस्तों हमारा चिकन टिक्का पिज्जा लगने जा रहा है और आप देख सकते हैं चिकन के छोटे छोटे पीसेस ये कट कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा चीज गार्लिक ब्रेड रेडी हो रहा है, हमारी चीज आ चुकी है, ओरिगैनो आ चुका है, देख सकते हैं आप। तो गाइस इस पे आ चुका है बटर, एल मैक्सिकानो हमारा पिज्जा रेडी हो रहा है और आप देख सकते हैं उसके ऊपर ये रेड चिली है ना, टमाटो आ चुके हैं, ग्रीन कैप्सिकम आ चुकी है, ऑनियन आ चुकी है, मोजरेला चीज आ चुकी है और फुल्ली लोडेड लग रहा है ये भी। तो एल मैक्सिकानो हमारा जा रहा है अवन के अंदर, इसके साथ साथ है हमारा चिकन टिक्का क्योंकि ये भी जा रहा है और उसके साथ है हमारा गार्लिक ब्रेड। तो तीन चीजें हमारी अवन में जा चुकी है और एक चीज हमारी रेडी है और दो चीजें हमारी रेडी होने जा रही है। तो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, बने रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं भी, मजा आने वाला वीडियो में। पिज्जा लवर के लिए ओलार्क पिज्जा के लिए जन्नत है, आप आके अपना किसी भी स्टाइल में पिज्जा रेडी करवा सकते हैं। इस प्राइस बहुत हाई नहीं है, प्राइस लो नहीं है, चीपी प्राइस है जो आपको आकर यहाँ पर बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह, और प्लस 2D है। तो हमारा पनीर पैराडाइज स्टार्ट हो चुका है जो कि पनीर के पीसेस को उन्होंने पैरी पैरी में फोल्ड करा है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं तंदूरी, चिकन तंदूरी हमारा दूसरी साइड पर रेडी हो रहा है, चिकन के छोटे छोटे रैशेज आ चुके हैं, ऑनियन ग्रीन कैप्सिकम चारों तरफ आप देख सकते हैं पिज्जा ही पिज्जा है। चिकन तंदूरी हमारा रेडी है और पनीर पैराडाइज रेडी हो चुका है और अब ये दोनों जाएंगे अवन के अंदर, 5 से 7 मिनट लगेंगे, उसके बाद इनसे मुलाकात करेंगे हम टेबल पर, फिर आपको दिखाते हैं। तो गार्लिक ब्रेड हमारा रेडी है और देख सकते देखिए गार्लिक ब्रेड, देखिए चीज गार्लिक ब्रेड ये बिल्कुल रेडी है हमारा, आप इसका इसका देख सकते हैं, ओए होए होए मजा आ जाएगा। तो हमारा एल मैक्सिकानो पिज्जा रेडी है, हमारा चिकन पिज्जा भी रेडी है, आप देख सकते हैं दोनों बिल्कुल परफेक्ट, सिकाई बिल्कुल परफेक्ट हुई है इनकी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों मैं ओलार्क पिज्जा के किचन में हूँ और मुझे इनके किचन में आके इतना अच्छा लगा है। सबसे पहले देखिए आप ग्लव्स देखिए इनके हाथ में, ग्लव्स हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है, बहुत हर चीज अपनी जगह मेंटेन है। तो दोस्तों चिकन गार्लिक ब्रेड हमारा रेडी हो रहा है और ये हो रही है चिकन के साथ ऑनियन प्लस कैप्सिकम की चॉपिंग, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा, मैंने कभी चिकन गार्लिक ब्रेड ट्राई नहीं करा, चीज गार्लिक ब्रेड ट्राई करा है तो आज ये ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा मलाई टिक्का पिज्जा रेडी हो रहा है, ये टॉपिंग देख सकते हैं, फुल्ली लोडेड टॉपिंग देख सकते हैं चिकन के साथ, तो दोस्तों हमारे सारे पिज्जा रेडी हैं, आप देख सकते हैं 6 पिज्जा है हमारा, गार्लिक ब्रेड है और अब हम मिलेंगे इनसे टेबल पर, फिर देखते हैं क्या कहता है ओलार्क पिज्जा का पिज्जा, बात करेंगे इससे। तो दोस्तों टाइम हो चुका है ओवर और हमारे हो चुके हैं पिज्जा रेडी, जबरदस्त तरीके से उन्होंने रेडी करे पिज्जा और मुझे देख के बहुत मजा आया, तो मंगा लेते हैं और दिखाता हूँ आपको। तो दोस्त ये देखो, ये देखो दोस्तों, देखिए चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, चिकन तंदूरी सब मिलेगा यहाँ पर आपको। दोस्तों हमारे पिज्जा आ चुके हैं और बहुत ही मस्त बने हैं, जो कि एक चीज मैंने आपको किचन में दिखाई, करते हैं ट्राई और बताता हूँ मैं आपको क्या है इनका टेस्ट और क्या होगा। मेरे सामने है चीज मार्गरिटा पिज्जा, ये इनका रेगुलर पिज्जा है जिसकी कोस मैं बताता हूँ 80 रुपए, 80 रुपीज का, तो आप देखते हैं 80 रुपए में कहीं नहीं मिलेगा आपको, करते हैं ट्राई और दिखाता हूँ, गर्म हो रहा है ये देखिए। आपने पिज्जा डोमिनोज में ट्राई करा हुआ, पिज्जा हट में ट्राई करा हुआ, मेरे कहने पे एक बार आके इस पिज्जा को ट्राई कर लीजिए, आप डोमिनोज भूल जाएंगे इंशाल्लाह, और जबरदस्त फीलिंग है, मोजरेला चीज है, बहुत टेस्टी। तो दोस्तों हमारे सामने इनकी चीज गार्लिक ब्रेड देख सकते हैं मेरे सामने, 100 रुपीज की, 200 रुपीज की चीज गार्लिक ब्रेड आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी, बहुत ही प्राइस लो है ये देखिए, दोस्तों जबान पर रखते ही मजा आ जाएगा आपको गार्लिक ब्रेड में, इसका बेस इतना सॉफ्ट है गाइस आप देख सकते हैं, क्योंकि हैंडमेड है, कोई इसमें वो नहीं है, 100 रुपीज वर्थ 100 रुपीज में, आप आगे ट्राई करिए मजेदार। दोस्तों आपने इनके गार्लिक ब्रेड ट्राई कर ली ना, तो मैं कसम खा के कहता हूँ आप डोमिनोज पिज्जा हट को भूल जाएंगे, और 100 रुपीज में
यही चीज वहां पर आपको कम से कम तो 180 या 200 की दी जाएगी, मगर यहाँ पर आपको 100 रुपीज यार मुमकिन नहीं है भाई। ग्रीन एप्पल मोहितो देख सकते हैं 80 रुपीज का, और आप साइज देखिए इस गिलास का, ओए होए ठंडा हो जाएगा पीजा आपको, पिज्जा के साथ आपको ये पीने को मिल जाए तो मजा है। दोस्तों हमारे हाथ में है एल मैक्सिकानो, ये देख सकते हैं आप भरपूर वेजिस से है और इसकी जो कॉस्ट है वो है 150 रुपीज। चलिए ट्राई देखने में मुझे स्पाइसी महसूस हो रहा है, बाकी करते हैं ट्राई। स्पाइसी तो है दोस्तों मगर 150 में बिल्कुल वर्थ है पिज्जा। आप इसकी टॉपिंग देखिए, टॉपिंग उन्होंने ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ तो मुझे टॉपिंग ज़्यादा दी जाएगी, और मुझे कस्टमर को भी यही टॉपिंग सर्व करी जाएगी। मजा आ गया भाई। मेरे हाथ में है चिकन टिक्का पिज्जा जिसकी कॉस्ट है 170 रुपीज। जो इनका चिकन है मैं आपको बता दूं, चिकन ये पहले बारबेक्यू पर अपना उसके थोड़ा सा सेकते हैं, सेकने के बाद ये रखा जाता है, फिर बाद में रेस्ट करके आपको पिज्जा के ऊपर सर्व करा जाता है। तो देखिए मेरे हाथ में, तो करते हैं ट्राई। चिकन उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उन्होंने यूज करा गया है दोस्तों। हर पिज्जा की जो बेस है बहुत सॉफ्ट है, और चिकन का जो फ्लेवर आ रहा है मुझे मेयोनीज में, और देखते हैं आप जो इनके केचप है बिल्कुल मिक्स हो गए, और जबान पे रखते ही आपको ऐसा लगेगा कि वह क्या कहते हैं दोस्तों। ये है हमारा पनीर पैराडाइज, तो आप देख सकते हैं पनीर की क्वांटिटी देखिए, आप पनीर की क्वांटिटी देखिए इसमें, बाकी कुछ मत देखिए। 160 रुपीज। पनीर के साथ साथ पैरी पैरी पनीर में इन्होंने पनीर के रेशेस को फोल्ड करके इन्होंने मैरिनेट करा है, और ऊपर से रेड चिली का इन्होंने मैरिनेट करा है। ये देखिए यार क्या जबरदस्त चीज बनाई इन्होंने, बिल्कुल बेस इसका सॉफ्ट है, मतलब ऐसा नहीं बहुत टाइट है। इसे रखे हुए कम से कम मेरे पास 10 मिनट हो चुके हैं, मगर उसके बाद भी इतना सॉफ्ट होना बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए कहता हूँ आ जाओ ओलार पिज्जा पर, ये जाकिर नगर नियर बाई रहते हैं, तो विजिट जरूर करिए। तो दोस्तों हमारा आ चुका है चिकन तंदूरी, आप देखिए ये देखिए पास इसकी फीलिंग देखिए आप, आपको यार एक बार करीब से दिखा दो, तरह देखो फीलिंग देखो दोस्तों, तर हो रहा है बिल्कुल मारा, आपको देखते ही दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। पिज्जा जिसकी कॉस्ट है 170 रुपीज, बहुत पतला है तो पिज्जा भी जो लोग बाग दिल्ली में बहुत पसंद करते हैं, करते हैं ट्राई। और चिकन देखिए, चिकन बारबेक्यू पर इन्होंने सेका हुआ है, देखिए इसके स्वाद जो है डबल टेस्टी हो गया है, थोड़ा स्पाइसी है रेड चिली इसमें, ब्रेड इसकी अभी बहुत सॉफ्ट है देख सकते हैं आप, दो आदमियों को वर्थ है ये पिज्जा। तो दोस्तों हमारे हाथ में इनकी चिकन गार्लिक ब्रेड, इनकी चीज गार्लिक ब्रेड, अब मैं दिखाता हूँ आपको चिकन गार्लिक ब्रेड, इसकी जो कॉस्ट है 150 रुपीज। ये किलो ये 150 रुपीज में चिकन गार्लिक ब्रेड मिलना पॉसिबल नहीं है, मगर ये आपको मिल दिया जाएगा। चिकन के रेशेस करके इन्होंने ऑनियन में, साथ में ग्रीन चिली है, थोड़ा थोड़ा कैप्सिकम, तरीके से मैरिनेट करके इन्होंने कुछ नया देने का ट्राई करा है जो कि बहुत टेस्टी है बहुत। तो हमारे हाथ में इनका मलाई टिक्का पिज्जा जो कि फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा, मैंने कभी ट्राई करा नहीं कहीं जगह, तो देखिए पास से चलिए दिखा देते हैं थोड़ा सा मलाई टिक्के को, एक बार करीब से दिखा दो। ये देखिए दोस्तों चिकन टिक्के के इसमें भी रेशेस हैं जो कि क्रीम में फोल्ड हुए हैं, कुछ अलग टेस्ट है, थोड़ा क्रीम टाइप का टेस्ट आएगा आपको, मलाई टिक्का पसंद करते हैं जो क्रीम की चीजें पसंद करते हैं तो वही पिज्जा ट्राई कर सकते हैं, चीज इनकी परफेक्ट है, बाकी पिज्जा का जो टेस्ट है हर पिज्जा का अलग टेस्ट है। पिज्जा है भाई साहब मजेदार टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि वीडियो ने मुझे बुलाया तो मैं आप लोगों को गलत गाइड करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो टेस्ट है जेन्युइन टेस्ट है, वो गार्लिक ब्रेड तो शायद पिज्जा से भी ऊपर लेवल पर निकल गया, मजेदार है, प्राइस ज्यादा हाई नहीं है, ज्यादा नॉर्मल है, नॉर्मल प्राइस है, आप लोग आके ट्राई कर सकते हैं पिज्जा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक इनका एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए वीडियो में, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो देखने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाके मेरी शॉर्ट वीडियो देखनी होगी, तो वहाँ देख के मुझे बताइएगा वो चीज़ आपको कैसी लगी। बस हम मैं थोड़ा सा फूड अपना इन्जॉय करता हूँ, उसके बाद वीडियो के एंड मिलते हैं और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों जितना मुझसे खाया गया टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और मज़ेदार है, आप लोग नियर बाई रहते हैं तो एक बार विजिट कर लीजिए और डार्क पिज्जा पे जो कि है ताकिन नगर में, बढ़िया रेस्टोरेंट है और 2D जो मैंने आपको बताया। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फन टू देसी को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, फूड के हम शौकीन हैं, फूड की वीडियो डालते हैं, ऐसे ही डालते रहेंगे आप लोगों के लिए, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।